इन्होंने किसी पर क्या इल्जाम लगाना, पहले ये कौम को तो जवाब दे दें। जो बंदा अपनी बेटी को उसके हकूक नहीं दे सकता वो कौम को क्या देगा। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौम से झूठ बोलते रहे जो कि 62-63 की खिलाफवर्जी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी डिबेट विद ज़ैद हामिद के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अजीम। पाकिस्तान की सियासत में आर्टिकल 62 और 63 का तस्करा एक बार फिर से अपने उरूज पर है। अरसलान इफ्तिखार ये समझते हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है और मुराद सईद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनका यही ख्याल वजीर अजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में है। दूसरी जानब इनकलाब ताहिरुल कादरी साहब का भी आने को है और सुनामी इमरान खान साहब का भी आने को बेताब है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, हुकूमत कहाँ स्टैंड करेगी और अगर हुकूमत ही टूट फूट का शिकार हो जाती है तो फिर रियासत कहाँ पर खड़ी होगी, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमें ज्वाइन करेंगे ज़ैद हामिद साहब। ज़ैद हामिद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आर्टिकल 62 और 63 एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत में कैसे उजागर हुआ। देखिए बात आपसे हमने ये कही थी कि अगर आपने पाकिस्तान के आइन पर अमल नहीं करना तो फिर इस आइन को परे कर दें। पाकिस्तान के आइन में यह गुंजाइश नहीं है कि आप ये बात कहें कि आइन के कुछ हिस्सों पर हम अमल करेंगे, कुछ हिस्सों पे जहां पे हमारी पसंद नहीं है, मर्जी नहीं है, उस पर हम अमल नहीं करेंगे। ये बात 62 और 63 के हवाले से इंतखाबात से पहले बहुत ज्यादा उठाई गई और इसको उठाने वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी थे और उनसे पहले हमने भी इस बात को उठाया था कि इन इलेक्शन में जब तक 62 और 63 को आप नाफिज नहीं करेंगे उस वक्त तक ये इंतखाबात बेकार होंगे। नतीजा यही हुआ कि 62 और 63 को पूरे आइन को पामाल किया गया, पाकिस्तान की जुडिशरी ने पामाल किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने पामाल किया और जब पाकिस्तान का आइन बनाया गया था तो उसके अंदर ये नुक्ते किसी मकसद से डाले गए। एक बहाना किया जाता है, कहा जाता है कि साहब 62 और 63 का फैसला, सादिक और अमीन होने का फैसला सिर्फ अल्लाह कर सकता है। एक खुराफात, एक नई बकवास शुरू की गई है आजकल की। तो अगर 62 सादिक और अमीन होने का फैसला अल्लाह कर सकता है तो फिर चोर डाकू कातिल और बदकार होने का फैसला भी अल्लाह ही करेगा। फिर आप अदालतें बंद कर दें, अदालतों का क्या काम है। लेकिन ज़ैद हामिद साहब, जब पाकिस्तान का आइन बना तो 62 और 63 तो नहीं था, ये तो जनरल ज़िया ने इंडक्ट किया। इससे फर्क नहीं पड़ता किसने इंडक्ट किया, बात यह है कि अब आइन का हिस्सा है। या तो कहें कि हम इसको नहीं मानते या तब्दील कर लें। इतनी आपके पास मेजोरिटी है, उससे पहले जरदारी की हुकूमत गई, उससे पहले PMLQ की हुकूमत थी, अब इनकी हुकूमत है, सारे मिलकर बैठे। क्योंकि सच्ची बात यह है कि 62 और 63 पर कोई भी पूरा नहीं उतरता, ये तो हकीकत है। और अगर हकीकत आप कायन को, आप बिल्कुल साफ बात करते हैं आइन को नाफिज करने की, तो ये पूरी असेंबली डिस्क्वालीफाई होती है। हम आपको बताएं 62 और 63 में है क्या, 90% लोगों को तो ये नहीं मालूम है बात। उसमें तीन बातें लिखी हुई है साफ साफ और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अल्फाज आप लीगल जो मर्जी टर्म्स कर लें। एक पहली सिंपल बात यह है कि जो शख्स 62 और 63 के हवाले से तक जाती तौर पर करप्ट नहीं होगा, फाइनेंशियली चोर नहीं होगा, फ्रॉडिया नहीं होगा, NRO का धुलावा नहीं होगा, उस पर करप्शन के स्कैंडल्स नहीं होंगे, एक तो ये पहली शर्त हो गई उसके ऊपर। दूसरी शर्त उसके ऊपर ये है कि वो बड़े बड़े गुनाह कबीरा से बचता होगा, इज्तिमाई तो यानी जाहरन खुले जना बदकारी, बड़े बड़े गुनाह कबीरा जो है जो इंसान को एक एक बिल्कुल एक फासिक और फाजिर बना देते हैं, उनसे बचता होगा, खुल्लम खुल्ला वो गुनाह नहीं करता होगा। हमारी सारे MNS MPS की महफिलों में, आपको सारी सियासी जमातों की महफिलों में शराब जनाब बदकारी आम चलती मिलती है, सारों के स्कैंडल रोज निकलते हैं, न जाने किस किस की नाजायज औलादें, किस किस की गैर शादीशुदा औरतें रखी इन्होंने, ये सारे स्कैंडल रोज सामने आ रहे हैं और अब आपस में एक दूसरे को ये बेलिबास करते फिर रहे हैं। तीसरा ये होगा कि वो नजरिया पाकिस्तान पर यकीन रखता होगा। ये तीन सिंपल बात है। नजरिया पाकिस्तान का मतलब है कि आप इस बात पर ईमान लाते होंगे कि पाकिस्तान अल्लाह उसके रसूल के निजाम को कायम करने के लिए बनाया गया था, यहाँ इस्लामी निजाम होगा, इस्लामी रियासत है और दो कौमी नजरिए पे कायदे आजम और इकबाल पर आप इस मामले पे आप शक और शुबा और डाउट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की आधी सियासी जमातें ऐसी हैं जो नजरिया पाकिस्तान को यकीन ही नहीं रखती। अवामी नेशनल पार्टी को उठा लें, MQM को उठा लें, ये तो नजरिया पाकिस्तान को मानती ही नहीं है। अल्ताफ हुसैन जाके हिंदुस्तान में कह चुका है कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वॉज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ पाकिस्तान, फिर सबसे ज्यादा कातिल डाकू चोर, सबसे ज्यादा फ्रॉड ये, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि अभी अल्ताफ हुसैन ने इफ्तारी दी और पूरे जनाब कराची को मधु किया, वहां पे सारे उलमा, सारे सियासतदान, सारे बड़े बड़े साहिब कबाओ उबाओ जुब्बाओ दस्तार वहां मौजूद थे। एक लम्हे के लिए किसी ने यह सोचा नहीं कि अल्ताफ हुसैन जो इफ्तारी करा रहा है हराम के पैसे की, भत्ते के पैसे की इफ्तारी है, इसके पास हलाल रिस्क है क्या? अल्ताफ हुसैन के जो घरों से पाउंडों डॉलरों के लाखों के नोट निकलते हैं वो रिस्क हलाल मेहनत करके कमाए इसने या भत्ते और एक्सटोर्शन की कमाई? और हमारे उलमा को, हमारे बुजुर्गों को, लोगों को शर्म हया नहीं आती कि उस हराम के पैसे की अफ्तारियां खाते हैं? ज़ैद हामिद साहब, अगर जाती मामला से बाहर निकले और मुल्की मामला की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? देखिए अजीम, बात यह है कि एक सियासतदान की कोई जाती मामला होते नहीं है।
ایک سیاستدان کا ذاتی کردار اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جتنا اس کا پبلک کردار ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ وقت سوال کر لیا بڑھیا نے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنتے, آپ دو چادریں کہاں سے لے کر آئے. اب یہ کہ جی میرا ذاتی معاملہ ہے, ذاتی معاملے کا سوال نہیں ہے. ان کو جسٹیفائی کرنا پڑا کہ میرے پاس دو چادریں کہاں سے آئے. اور یہ دیکھیے رول یاد رکھیے گا. تو خان صاحب آپ کے مطابق گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں؟ میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حکمران جتنے بھی اس وقت ایم این اے اور ایم پی ایس ہیں, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کام کا فیصلہ اللہ نے نہیں کرنا, جب آئین میں لکھا گیا ہے تو اس کا فیصلہ ہم نے کرنا, اس کا فیصلہ قوم نے کرنا ہے, عدالتوں نے کرنا ہے کہ وہ شخص نظریہ پاکستان پر یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا, یہ آپ کھل کے بات کر لیں. عوامی نیشنل پارٹی سے پوچھیں, آپ پوچھیں ان سارے فضل الرحمان سے جس کا باپ نے کہا تھا یہ کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے, پوچھ لیں نا ان لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے کہی تھی یہ بات یا نہیں کہی. تو جب پاکستان بنانے کو گناہ سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ مولانا صاحب کا اب نظریہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا صرف نظریہ کی بات نہیں ہے, آپ کو ان کے اسکینڈل بھی دیکھیں, جو فائنینشیل کرپشن کے اسکینڈل ان کے پاس نکلتے. آپ یہ پھر دوسروں کو دیکھیں. مولانا صاحب اگر ظاہراً آپ کو نظر آتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں انوالو نہیں ہے مثلاً, لیکن باقی جو دوسرے سیاستدان اور ایم پی ایز آپ کو نظر آ رہے ہیں, حکمران نظر آ رہے ہیں, اس دن استغفر اللہ العظیم جس قسم کی غلاظت ہمارے ٹیلی ویژن پر اب بولی جا رہی ہے, ہارون رشید نواز شریف کی نعوذ باللہ ناجائز اولادوں کی بات کرتے پھر رہے ہیں, دوسرا جو ہے کوئی جو ہے وہ عمران کی ناجائز اولادوں, یعنی کوئی شرم و حیا سے آری ہو چکے ہیں سارے. ایسی بے شرمی, ایسی بغیرتی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہم نے اس طرح غلاظت و چھلتے نہیں دیکھی تھی. اس کو سیاست کہتے ہیں؟ یہ اس جمہوریت کا نتیجہ ہے, یہ تحفہ ہے ہم کو اس جمہوریت کا کہ جو 62 اور 63 کو وائلیٹ کرنے کے نتیجے میں ملی ہے. مسئلہ صرف چار اس حلقوں میں انتخابات دوبارہ کرانے یا ووٹنگ کاؤنٹنگ کا نہیں ہے. اگر صاف بات کرتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں تو 62 اور 63 میں بات کی جائے کہ سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز 62 اور 63 میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. نہیں اترتے تو چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو اس جمہوریت اور اس پارلیمنٹ کو لپیٹ دیں. پورا اترنے والے پاکستانی کتنے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستانی اللہ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں ہیں. مجھے بتائیے آس پاس ہر محکمے ہر ادارے میں آس پاس دیکھ لیجئے آپ, آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو الحمدللہ ظاہراً بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں, صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں, بیوی بچوں والے اپنے اولادوں والے اپنے زندگی اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں, چھوٹے موٹے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی لیکن گناہ کبیرہ کی بات. دوسری طرف حرام رزق نہیں کھاتے, اپنی تنخواہ میں گزارا کرتے, اور پھر تیسری بات پاکستان سے شدید پیار کرتے ہیں. ایسے کتنے لوگ آپ کتنے لوگ نہیں ملیں گے, سارا ٹپرا پاکستان اسی طرح کا ہی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ زرداری کے تھلے لگ کے, وہ نواز شریف کے نیچے لگ کے, وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو کے, عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہو کر, فضل الرحمان کی بھیک مانگ کر یہ لوگ اختیار اور طاقت اور حکومت میں نہیں آئیں گے. ایسے لوگوں کو آپ کو چن کے لانا پڑتا, کوئی بڑی بات نہیں. کیا آپ مجھے بتائیں کوئی مشکل بات ہے؟ عوام منتخب نہ کریں, کوئی اور فورم سلیکٹ کریں. آپ اگر عوام کریں لیکن بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق کریں. اگر آپ آئین کو پیروں تلے روندیں گے تو پھر ہم نہ اس آئین کو مانتے ہیں, نہ ہم اس انتخابات کو مانتے ہیں, نہ عوام کی رائے کو مانیں گے. پھر آپ بھائی عوام کی رائے تو ہے ہی نہیں نا, آپ یہ آرگومنٹ کہاں سے لے کر آتے ہیں کہ یہ عوام کی رائے. بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, مکاری کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, آئین کو پامال کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں عوام کی رائے, اس کو الو بنا رہے ہیں. بات یہ ہم الو بننے کے موڈ میں نہیں ہیں, سیدھی سی بات. اور اگر آپ نے 62 اور 63 کو وائلیٹ کرنے کے بعد یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی بنائی ہے تو ہم اس کو ٹھوکر مار کے نکالتے ہیں. پھر چاہے سونامی اس کو ختم کرے یا انقلاب ختم کرے یا مارشل لا ختم کرے یا اس کو سول ڈسپیڈینس موومنٹ ختم کرے, وی ڈونٹ کیئر. تو زیادہ میں سب سونامی یا انقلاب اس اسمبلی کو ختم کر پائے گا یا پھر یہ اسمبلی قائم رہے گی اور انقلاب اور سونامی اپنی موت آپ مر جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ حکومت وقت چوروں کی حکومت, دھوکے اور فراڈ سے آئے, ان کے پیروں تلے زمین ہے نہیں, اور اب یہ آپس میں بھی پھوٹ کا شکار ہے. جو اس وقت چودھری نثار کا ایپیسوڈ ہوا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چودھری نثار پی ایم ایل این کا ایک ستون تھا, مرکزی ستون, وہ ہل گیا اور وہ ستون ابھی کوئی جڑا نہیں ہے. انہوں نے بے شک اپنی منسٹری واپس لے لی ہے, لیکن یہ بات ہم آپ کو اس پروگرام میں صاف بتا رہے ہیں کہ چودھری نثار اکیلے نہیں ہیں, چار یا پانچ منسٹرز اور بھی ہیں, چار یا پانچ ٹاپ لیڈرز اور بھی ہیں کہ جو بغاوت کر چکے ہیں نواز شریف سے, اور یہ نواز شریف کے اندر ایک پرو آرمی کیمپ بن گیا ہے. ہم صاف بتا رہے ہیں یہ بات, کیونکہ نواز شریف کی جو پالیسیز فوج کے خلاف ہیں یہ گروپ اس کے خلاف, یعنی آرمی پی ایم ایل این میں پھوٹ ڈلوا رہی ہے. آرمی نہیں ڈلوا رہی, لیکن پی ایم ایل این کے یہ سنجیدہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ فوج سے تصادم مت لیں, اور نواز شریف ماننے کو تیار. چودھری نثار ایک سنجیدہ شخص ہے, اس معاملے میں بڑے سنجیدہ ہو گئے اور یہ معاملے اس معاملے کو سمجھ گئے کہ دیکھیں اگر جس انداز سے پی ایم ایل این آج چل رہی ہے اس کا انجام بھی مشرف والے. چودھری نثار انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام آباد
सिक्योर हो चुका है और अगले ही दिन इस्लामाबाद में हमला हो जाता है। वो बात ऐसी बात नहीं है, वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ भी मौजूद है, DGISI भी मौजूद है, IB मौजूद है, 22 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। मुल्क हालत जंग में, इसका ताल्लुक संजीदगी नॉन संजीदगी से नहीं है, ये बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन बात यह है, जो बात हम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त टूट फूट का शिकार, एंड दे आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। जब आप पैनिक में होते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? मैंने आपको ये बात पिछले प्रोग्राम में कही थी यहाँ पे कि नवाज शरीफ पुलिस पे अब इसको एतबार नहीं है, अपने इलीट फोर्स से कितने लोग रोकेगा? इलीट फोर्स ने तो 14 बंदे मार दिए थे यहाँ पे। अब नवाज शरीफ के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि कौम और अपने दरमियान फौज खड़ी कर ले ला, और ये बात ही करने जा रहे हैं। इन्होंने जो अभी नई पावर्स दी हैं आर्मी को, नया लॉ पास किया है, और अब ये बड़ा सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि पाक आर्मी को इस्लामाबाद में डिप्लॉय किया जाएगा सुनामी को और इंकलाब को रोकने के लिए। दूसरे लफ्जों में ये भुट्टो वाला काम करने जा रहे हैं कि जब ये क्राउड आएगा तो ये फौज से कहेंगे कि क्राउड पर गोलियां चलाओ, क्योंकि इमरान खान ने पुलिस को थ्रेट दिया। ये बात हमने कही थी आपके प्रोग्राम में कि सबको मालूम है कि पुलिस जो है उसको एग्रेसिव एटीट्यूड, उसको थ्रेट फायर करने का हुक्म इन्होंने दिया था। और अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी मुसल्ला होकर आएंगे, इनको पता है, इसीलिए इमरान को इतनी सख्त बात करनी पड़ी कि अगर किसी पुलिस वाले ने गोली चलाई तो मैं उसको अपने हाथों से फांसी दूंगा। बिकॉज ये एक नाजायज काम होगा शहरी निहत्ती आबादी को अपनी पुलिस की गोलियों से कत्ल कराना, और ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है, मॉडल टाउन में देख लिया हमने कि इन्होंने किया अपने गुलू बटों के साथ। तो लेकिन अब की दफा ये फौज को बीच में लाना चाहते हैं। इसके इनके दो फायदे होते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत को, जो इनका प्लान है। एक फायदा ये होता है कि फौज और आवाम आमने सामने आ जाएंगे और नवाज शरीफ की हुकूमत अपने आप को बचा लेगी और ये कहेगी कि जी अगर मारे हैं लोग तो फौज ने मारे, हमने तो नहीं मारे। फौज इस बात को बड़ा सीरियसली देख रही है, जैसे हमने बात कही थी कि किसी सूरत में जो मर्जी नवाज शरीफ कर ले, अगर फौज के पास ऑप्शन हो कि अवाम पर गोली चलाए और नवाज शरीफ को हटाए, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि फौज ने फिर क्या करना है। फौज अपनी कौम पर गोलियां नहीं चलाएगी, नवाज शरीफ को डब्बे में बंद करके घर भेजेगी। और अगर वजीर आजम फौज को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो फौज रेजिस्ट करेगी? देखिए रेजिस्ट नहीं करेगी, मैंने कहा ना कि फौज को बुलाएं। अब फौज के पास ऑप्शन है, फौज के पास ऑप्शन है कि भाई फौज तो डिप्लॉय करेंगे, आ जाएगी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल क्या बनती? अगर आपके प्रोटेस्ट चाहे सुनामी हो या इनकलाब हो जो इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलते हैं वो वायलेंट हो जाते, वो एक क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा मुल्क में है, शॉक फोर्सेस होती हैं, दहशतगर्द होगा, कोई ग्रेनेड फेंक देगा, कोई हंगामा कर देगा, मुहर्रम के जुलूस पे आप एक ग्रेनेड फेंकते हैं उसके बाद हजारों दुकानें जलती हैं, ये शॉक फोर्सेस का काम होता है, ये दुश्मनों का काम होता है, ये एक किसी ग्रुप को एजिटेट करके उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर देना। अगर इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि फौज अपनी कौम पर गोलियां नहीं चलाएगी। फौज के पास अगर ऑप्शन होगा अपनी कौम के खिलाफ गोलियां चलाने का और हुकूमत हटाकर केयर टेकर हुकूमत लाने का, तो फिर फौज केयर टेकर। लेकिन अगर इनकलाब लाने वाले या सुनामी बर्पा करने वाले कोई अनरेस्ट क्रिएट करते हैं कैपिटल में, तो फौज के पास फिर कोई ऑप्शन बाकी बचेगा? देखिए मैंने अर्ज किया ना आपको कि अगर आग लगाई जाती है, अगर पथराव किया जाता है, अगर दुकानों को घरों को जलाया जाता है, तो जाहिर है फौज थोड़ा बहुत यूज ऑफ फोर्स तो करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, जरूरी नहीं कि लोगों को मारा जाए, हवाई फायरिंग भी हो सकती है लोगों पे। एक फौज में हवाई फायरिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर फौज को आप पुलिस ड्यूटी में फौज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप फौज को पुलिस की ड्यूटी पे क्यों डाल रहे हैं? जब पुलिस ड्यूटी पे डालेंगे तो फिर फौज कर्फ्यू लगा सकती है, ये काम तो फौज कर सकती है लोगों को। और दूसरी बात यह कि जहां तक इनका ताल्लुक है अवामी नेशनल पाकिस्तान अवामी तहरीक का और इमरान खान का, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो फौज से तसादुम चाहता हो, तो इनके फॉलोअर्स फौज से तसादुम करेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं। अच्छा, ये तो एक एक्सट्रीम पोजीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत की अपोजिशन की बात करें जो मेनली इस वक्त कादरी साहब की सूरत में है, खान साहब की सूरत में है, ये भी तो मिक्सअप नहीं हो पा रहे, ये भी तो ऑयल एंड वाटर का रिलेशनशिप है। ऐसे ही है, देखिए बात ये है कि हुकूमत अगर बची हुई है तो मैंने अर्ज किया ना इसी वजह से बची हुई है कि अपोजिशन नाअहल है, इस वजह से नहीं बची हुई कि हुकूमत बहुत अहल है, हुकूमत बड़ी कॉम्पिटेंट और कैपेबल है। हुकूमत के अंदर टूट फूट है बहुत शदीद, और ये डेस्परेट होकर बेशर्मी और बेहयाई की आखिरी हदें पार कर रहे हैं इस कोशिश में कि शायद किसी तरह अपोजिशन को रोक सके। मगर इनकी जो हरकतें हैं ये अपोजिशन को मुत्तहिद कर रही, क्योंकि एक तरफ ये तारिक कादरी साहब को बेइज्जत कर रहे हैं, एक तरफ इमरान को बेइज्जत कर रहे हैं, और कर वो ये रहे हैं कि दोनों को भड़का रहे हैं, और जितना ये दोनों को भड़काएंगे जल्दी पे तेल डाल रही है हुकूमत जो भी इन दोनों के साथ कर रही है, नतीजा ये होगा कि ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे ये आपस अपने एजेंडास पे नहीं होंगे। यानी तारुल कादरी साहब का अपना इंकलाब है, अगेन जैसे हमने कहा कि सच्ची बात है कि मुझे अभी तक उस इंकलाब का फहम वाजे नहीं है कि वो किस कस्म का इंकलाब किस तरह लाना चाहते हैं, ना इमरान की सुनामी के बारे में मुझे कोई चीज वाजे है ज्यादा से ज्यादा, सिवाय इसके कि वो मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे कोई चीज वाजे नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात पर ये दोनों मुत्तफिक हो सकते हैं कि हुकूमत वक्त को गिराया जाए,
और ये पॉइंट अब नजदीक आ रहा है। मुझे मैंने अर्ज किया था बात आपको पहले भी कि अगस्त के महीने में ये डिसाइसिव है कि इस मौके को ये पिछली हिमाकतें जो ये कर चुके हैं कि फर्दन फर्दन ये अपनी सुनामी और इंकलाब अलग अलग निकालते रहे, इस दफा शायद ये गलती ना करें वरना दोनों रुसवा हो जाएंगे। ये फैक्ट है बात, क्योंकि किसी एक में सलाहियत नहीं है हुकूमत को गिराने। लेकिन ज्यादा हमें सब अगर दोनों इकट्ठे आते हैं तो फिर खान साहब लीड कर रहे होंगे, कादरी साहब उनके छतरी तले होंगे, या फिर कादरी साहब को लीड करना होगा। ये आपस की सवाबदीद है, ये साथ खड़े हों एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हों, इट इज मटीरियल, इनकी सवाबदीद है। बात यह है कि बात नंबर्स की है, बात शो ऑफ स्ट्रेंथ की है, स्ट्रीट पावर की है। और जहां तक स्ट्रीट पावर का ताल्लुक है, इन दोनों के पास अपनी स्ट्रीट पावर्स हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि ये हुकूमत को गिरा सके। इकट्ठे हो जाए तो कर ले। एक तरफ स्ट्रीट पावर है, दूसरी तरफ पार्लियमान है, और पार्लियमान में तो नंबर गेम होगी, और नंबर गेम में मुस्लिम लीग नवाज तो सामने है ही, और उसके मजीद इत्तेहादी कौन होंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात। ब्रेक के बाद डिबेट विद ज़ैद हामिद में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैद साहब, खान साहब और कादरी साहब तो स्ट्रीट पावर शो करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नवाज की भी तो एक ताकत है, उस ताकत को आप कैसे देखते हैं? हमने अर्ज किया ना आपको कि अब फैसले पार्लियामेंट में नहीं होंगे, वक्त निकल चुका है, ये हकीकत है। इस बात को तस्लीम कर लें कि अब जो फैसले होंगे सड़क पर होंगे। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान दोनों की ख्वाहिश ये होगी, ये हम साफ बता रहे हैं, कि बैकडोर चैनल से रबते करके फौज की हिमायत हासिल। ऊपर से जो मर्जी कहते रहे, लेकिन इनको भी मालूम है कि फौज की हिमायत के बगैर जो एंड रिजल्ट है, जो नतीजा है, देखिए सारे ट्रम्प कार्ड फौज के हाथ, फौज हिमायत करेगी इनकी, सारे ट्रम्प कार्ड फौज के हाथ। आप हुकूमत गिरा तो सकते हैं, नहीं बना सकते जब तक फौज की मर्जी ना हो। और नहीं बनाने के लिए अगेन जैसे हमने कहा, या इंतखाबात करवाएंगे आप, या केयरटेकर सेटअप आएगा, या फौज इनमें से इनके अलायंस को बना के किसी को बिठा देगी। ये जो करना है फौज ने करना है। ज्यादा में फौज एक सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट से भी। देखिए इस वक्त मैंने अर्ज किया ना आपको कि जब क्योस और अनार्की फैलती है इराक में, मुझे बताइए पार्लियामेंट नाम की कोई चीज है? शाम में कोई पार्लियामेंट रह गई? जब अनार्की फैलती है तो फिर फौज होती है, एक डिसिप्लिन इदारा होता है जो मुल्क को रिस्टोर, ऑर्डर रिस्टोर करता है। फौज हमेशा उस वक्त इंटरफेयर करती है, याद रखिएगा पाकिस्तान की तारीख में, जब सिविलियन इदारे कोलैप्स कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, और एक ताकत का खला होता है, वैक्यूम होता है। फौज कभी भी पावर स्ट्रक्चर को हटाती नहीं है, वैक्यूम में मूव करती है। जब भुट्टो इतनी अनार्की फैला चुका कि उसकी अपनी रियासती रेट खत्म हो चुकी और सड़कों के ऊपर एक अनार्की फैल गई, पावर गवर्नमेंट की थी नहीं, तो फिर फौज को मूव करना पड़ा। जब नवाज शरीफ ने ऐसी हरकत की कि उसके बाद नतीजे में पूरी फौज में तसादुम खड़ा हो गया, फौज के दोस्त धड़े बन गए, पूरी हुकूमत वक्त फौज का तसादुम हो गया, उस वक्त फौज ने मूव किया। लेकिन जैसा हमें सब सूरत हाल इस वक्त ये है कि फौज ऑपरेशन में मसरूफ है और अपनी स्ट्राइकिंग कोर्स को भी उसने शिमाली वजीरिस्तान में लगाया हुआ है, ऐसी सूरत हाल में क्या वो सिविलियन मामलात में मुदाखलत करेगी? ये बात ये है, बात ये है कि टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट लाने के लिए फौज को कोई कोरे नहीं लगाने, डिविजन ब्रिगेड मूव नहीं करने, वो काम तो एक आपकी बटालियन कर देगी, एक आपको एक कप्तान, चार जीपे, दो ट्रक, मतलब ये इस कामों से भी हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मगर बात यह है कि जिससे बात यह है कि हुकूमत वक्त का रिस्पांस क्या होता है, हुकूमत वक्त की जो इस वक्त देखिए पैनिक जो हमने अर्ज किया कि वो आपस में टूट फूट का शिकार है, उसके अंदर एक ग्रुप बन चुका है जो कह रहा है कि साहब फौज के खिलाफ ये हरकतें न करो जो तुम कर रहे हो, मारे जाएंगे हम सारे। ये मान नवाज शरीफ मान नहीं रहा, क्योंकि कोई साइन मुझे नवाज शरीफ की तरफ से ऐसा नहीं मिल रहा कि जिसमें ये फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, जबकि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान कोशिश कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश है। लिहाजा यहां पर भी नवाज शरीफ पिट रहा है। भाई बात यह है कि जो पावर, जो 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 सबसे बड़ा पावर ब्रोकर है मुल्क का, आप उसके साथ अगर ताल्लुकात खराब रखेंगे तो फिर उसका वोट किसकी तरफ जाएगा? जो उसके पास डंडा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी फोर्स है, जो उसका लिवरेज है, वो किसकी तरफ इस्तेमाल करेगा? फौज मुदाखलत करेगी इन मामलात में, फौज को घसीटा जा रहा है। और एक पॉइंट बड़ी जल्दी आ जाएगा, अगर ये सब कुछ होता रहा जिस तरीके से चल रहा है, ये गलाजतें एक दूसरे पर उछाली जा रही है, हुकूमत में टूट फूट है, सुनामीज निकल रही है, मुकदमेबाजी हो रही है, हुकूमत को बनाना रिपब्लिक से भी बदतर बना दिया है, वजीर आजम आज एक हुक्म जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट अगले दिन उसको कैंसिल कर देता है, यानी अदालतें काम नहीं करने दे रही रियासत को, अदालतें अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के फौज में मुदाखलत कर रही हैं, फौजी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग वो अदालतें फैसला कर रही हैं। यानी जब इतना ही एक अनार्की फैल जाए रियासती सतह के ऊपर, तो किसी ना किसी लेवल पर आकर ऑर्डर रिस्टोर करना पड़ता है। हमारी अदालतें इस वक्त क्योस और अनार्की का हिस्सा बन चुकी हैं, ऑर्डर रिस्टोर नहीं कर रही,
इवन मुझे कोई नवाज शरीफ की हमदर्दी नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ ने अगर फैसला किया था नजम सेठी को हटाने का तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, उसको करने दें। अदालतों ने जो फैसला दिया है ये मेरी जाती राय में ये ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की बात, एक घंटे खासतौर पर 12 घंटे के अंदर अंदर फैसला, उससे भी फिर नजर आता है कि यहाँ कोई मसला कुछ और है यार, फैसले तो 3-3 नस्लों में नहीं होते यहाँ पर। वो फैसले जो फौज के खिलाफ हैं, जो केसेस फौज के खिलाफ हैं, वो तो बड़ी जल्दी फैसले हो जाते हैं हुकूमत लेकिन जो फौज दायर करती है मुकदमा दुश्मनों के खिलाफ वो सुने ही नहीं जाते कभी। मेरे अपने केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में लेके गया हूं कभी नहीं सुने गए। यहां पर नजर आता है कि कोई मामला कुछ इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। इस किस्म के रियासती इदारों का तसादुम जब होता है तो फिर ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए फौज आती है, और मुझे कोई जाती शुबा नहीं है, चाहे जो मर्जी फौज इनकार करती रहे, फौज को घसीटा जा रहा है। एक पॉइंट पर आने के बाद इसको दखल देना पड़ेगा। अगर फौज दखल नहीं देती है तो फिर ये इंतजार किस हद तक फैलेगा? देखिए, फिर इस इंतजार के नतीजे में पाकिस्तान एक जंगल बनेगा, पाकिस्तान एक फेल्ड डिसफंक्शनल फेल्ड स्टेट बनेगा। ऑलरेडी इस वक्त दुनिया के जो बड़े बड़े इंडिकेटर्स हैं, बड़े बड़े जो मुल्कों की लिस्ट बनाई जाती है, इसमें इन्होंने पाकिस्तान को इथियोपिया और सोमालिया के साथ खड़ा किया हुआ है फेल्ड स्टेट इंडेक्स में, कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बनना जा रहा है। इस वक्त सिर्फ हम इथियोपिया से एक नंबर ऊपर खड़े हुए हैं, हमको इथियोपिया के बराबर कर दिया इन्होंने। इंटरनेशनल इंडिकेटर्स पाकिस्तान को ये कह रहे हैं, इसलिए कि रियासत है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं, रिट है ही नहीं, अदालत है ही नहीं, मीडिया रियासत के खिलाफ लड़ रहा है और अनार्की इस तरीके से मची हुई है। सोच रहे हैं दूसरे को बेहरमत कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, नाजायज औलादे निकाल निकाल के ला रहे हैं पता नहीं कहां से, ये नहीं देख रहे कि आसपास खतरात क्या है मुल्क को, मिल्लत और कौम को। फौज हालत जंग में मुल्क की आबरू बचा रही है, और हाल ये है कि सारे इदारे, सारी मुल्क की जुडिशरी और मीडिया और हुकूमत फौज को बेइज्जत करने पे, ये वो वक्त नहीं है जहां नाजायज औलादों का तज़किरा हो। देखिए, बात ये है, नाजायज औलादों का तज़किरा आप इलेक्शन से पहले करते, 62 और 63 भी तो अप्लाई था ना, जब वो स्क्रूटनी के पेपर्स जमा कराए गए थे उसमें जिक्र क्यों नहीं किया इसके हराम कमाई का, हराम औलादों का, और इसके नापाक पलीत अमाल का, और उसके नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का। अब तो जो बातें हो रही हैं उसके नतीजे में जैसे हमने कहा कि ये तो सारा अनार्की और फसाद ही फसाद है, इलेक्शन ही अनार्की था, उसके बाद होने वाली अनार्की सामने, और अब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप मुझे बताइए, होश के नाखून लेके बताएं कि जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, इसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है या इराक और शाम बनता हुआ हो रहा है? हर पाकिस्तान से प्यार करने वाले को जो बातें हमें इलेक्शन से पहले करना चाहिए थी वो अब करने का वक्त नहीं है, तो अब जो कुछ हो चुका, जो हुकूमत बन चुकी है उसे चलने देना चाहिए। कैसे चलने दें? एक नाजायज, एक इलीगल काम होता है तो आप क्या करते हैं? जब एक नाजायज होता है, चोरी पकड़ी जाती है, डकैती पकड़ी जाती है, आप जाली डॉक्यूमेंट्स पे नौकरी लेते हैं, तो जब पता लग जाए कि आपके डॉक्यूमेंट्स जाली हैं तो फिर क्या किया जाता है? ये कहा जाता है कि ठीक है यार, अब नौकरी मिल गई, इसको चलने दो, मुल्क का सदर बना दो, या कहा जाता है कि नहीं, गैर कानून नाजायज काम किया था, जाली डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, इसको डिसमिस भी करो, जेल में भी डालो, सजा भी दो कि जाली कागजात क्यों जमा कराए। ये करें ना, जिसकी आपको 62 और 63 पर नजर आता है कि वायलेट कर रहा है, डिस्क्वालीफाई करना शुरू करें, करें सबको डिस्क्वालीफाई, करें इमरान को डिस्क्वालीफाई, तो करें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई, तो जो नजर आता है डिस्क्वालीफाई करें ना, करें ना, फिर ये हक का तकाजा है। और फिर झूठे कागजात जमा कराने पर, इंफॉर्मेशन को छुपाने पर, उस पर भी जेल में डालें। अगर ये करेंगे तो फिर रियासत बचेगी, वरना फौज आएगी। तो अरसलान इफ्तिखार ने नेक काम किया। अरसलान इफ्तिखार खुद कौन थे? इस हमाम में कपड़े पहन के खड़े हुए, लेकिन अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो। बात यह है कि पाकिस्तान में अगर जाती तौर पर आप उससे पूछें कि क्यों लोगों पर मुकदमा चलाकर उनको फांसियां देनी है, तो उसमें अरसलान इफ्तिखार का बाप भी शामिल। हम मुकदमा चला के कह रहे हैं क्योंकि सारे जो उनके मुकदमे, जो उनके गुनाह हैं, जो उनको पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में जो उनका किरदार है, अब तो मैं, पहले तो मैं अकेला बोलता था, अब तो माशाल्लाह पूरी पाकिस्तान खड़ा हो गया उसके खिलाफ बात करने के लिए। और जो खेल अरसलान इफ्तिखार खेल रहा है वो इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि उसका बाप भी कोई दूध से धुला हुआ नहीं है, ना ये खुद दूध से धुला हुआ है। और जैसे हमने अर्ज किया कि इस हमाम में सारे ही बेलेबाज, और जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जिस किस्म के ये लोग हरकतें कर रहे हैं, हमने अर्ज किया कि ये शर्म से सर झुक गया है हर पाकिस्तानी का। अगर ये जमहूरियत है तो अल्लाह की कसम हलाकू खान इनसे बेहतर। अगर ये जमहूरियत, तो ज़ैद हामिद साहब, अरसलान इफ्तिखार इस खतरनाक खेल में अकेले ही खिलाड़ी हैं या फिर कुछ और लोग भी शामिल? सवाल ही पैदा नहीं होता है। जनरल अतर अब्बास अकेले खिलाड़ी नहीं थे, उनको लॉन्च किया गया था पाकिस्तान आर्मी को बेइज्जत करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी के अंदर से एक मोहरा उठाया उन्होंने। अरसलान इफ्तिखार भी कोई अकेला नहीं है, इसको भी लॉन्च किया गया। तो जनरल अतर अब्बास के साथ कौन है और अरसलान इफ्तिखार के साथ? दोनों के पीछे एक ही है, वही शख्स है जो मुशर्रफ के पीछे लगा हुआ है, वही शख्स है जिसकी इन पॉलिसीज के खिलाफ उसकी अपनी पार्टी में बगावत हो गई है। चौधरी निसार खड़ा हो गया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अब मियां साहब की बात कर रहे हैं, मियां साहब की बात कर, जाहिर है आपके प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा शख्स खुदकुशी का शौकीन तो उस मुल्क में कोई भी नहीं।
इनके शौक पूरे नहीं हुए पहले खुदकुशियां करके, अब की दफा चाह रहे हैं कि टांग ही दिया जाए इनको, पिछली दफा तो पता नहीं मुशर्रफ ने क्यों छोड़ दिया था इनको। तो बात यह है कि जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, क्या मुशर्रफ के केस में इन्होंने कोई नरमी दिखाई? जबकि पूरा खुल्लम खुल्ला मौका इनको दिया गया था, फौज ने साफ कहा था इनसे इस मामले पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इन्होंने कसम खाई, वादा किया जनरल राहिल के साथ और झूठ बोला, उसके बाद ये एक दफा इंडाइट करके छोड़ दे। लेकिन ज़ाहिर है सब ये मामला तो सब जुडिस है, ये फैसला तो अदालत ने करना है। बात ऐसी नहीं है, हुकूमत वक्त बहुत बड़ी पार्टी बनी हुई है, अख्तियार हुकूमत वक्त के पास था। सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट ने जब 15 दिन का मौका दिया था तो क्यों गए अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में? फारिग कर देते ना, खेल खत्म हो जाता, कम अज कम फौज के साथ एक ताल्लुकात बढ़ाने का पहला हैंडशेक तो होता है इनका, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब ये तवक्को करते हैं कि ये फौज इनको बचाने के लिए आएगी और कौम पे गोलियां चलाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। इस आदमी को अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, पता नहीं ये कसम खा के बैठा हुआ है कि मैंने अकल की कोई बात ना सुननी है ना करनी है। इसको साफ नजर आ रहा है ये बात कि ये खुदकुशी करने जा रहे हैं। अगर इमरान मजबूत रहा और ताहिर अल-क़ादरी साहब मजबूत रहे और ये आपस में इकट्ठे हो गए अगस्त में, तो ज़ाती तौर पर मुझे अगस्त से आगे ये हुकूमत नजर नहीं आती, हम साफ बता रहे हैं। अगर हुकूमत बाकी रही तो ये कमजोरी अपोजिशन की होगी, हुकूमत का कोई कमाल नहीं होगा। जैद साहब, ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब अगस्त के बाद तक जारी रहेगा? बस ऑलमोस्ट उस वक्त तक फौज फारिग हो जाएगी। देखिए इंशाल्लाह फौज का जिस तरीके से क्लियरिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि रमजान के महीने में अल्लाह के हुक्म से अनदर 3 वीक, ये 2-3 हफ्ते तक, ईद तक इंशाल्लाह ये ऑपरेशन अल्लाह के हुक्म से हम तकरीबन 95% क्लियर। आपका एनालिसिस ये है कि ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब खत्म होगा और दूसरी तरफ हुकूमत गिर चुकी होगी? तो दूसरी तरफ सुनामी शुरू होता है कि हर चीज कोऑर्डिनेट कर रही है। अब रमजान मैं तो लेके नहीं आया बीच में, ये रमजान का आना जो है ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, ये अल्लाह ताला की स्कीम है कि रमजान बीच में आ गया। रमजान में सारे मामला जो है वो जरा जो पॉलिटिकल मामला थे, स्ट्रीट प्रोटेस्ट थे, सुनामी थी, धरने थे, ये रुक गए, जाहिर है रमजान में पॉसिबल नहीं है, गर्मी का रमजान है। लेकिन जो पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज कर रहा है, जो रमजान का कोई एहतराम तो नहीं कर रहा, जिस किस्म की गिबत हो रही है, जिस किस्म की गलाजतें बखी जा रही है, जिस किस्म की गालियां दी जा रही है, कोई नजर आता है कोई रमजान है? ये किसी को एहतराम है रमजान का? जिस किस्म की लड़ाइयां और जंगें हो रही है, बैटल फॉर्मेशन तय की जा रही है, आपस तफबंदियां हो रही है, अलायंसेज बनाए जा रहे हैं, ये साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 3 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान की सड़कों पे बहुत बड़ा एक सियासी फसाद बरपा होने वाला है। और ये भी अल्लाह की स्कीम और हिकमत है कि आर्मी ने जब ऑपरेशन शुरू किया है वो भी रमजान के बाद तक तकरीबन इसी पीरियड में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, या कम अज कम कंसोलिडेट हो जाएगा। उसके बाद फौज की तवज्जो वहां से, फौज फारिग होगी। और सबसे पहली बात, जंग अज़ब के बाद, ऑपरेशन अज़ब के बाद जो सबसे पहले तवज्जो फौज देगी जिस मामले पर, हम साफ बता रहे हैं आपको, वो ये पॉलिटिकल क्योस ही है। ये अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त। और इस हुकूमती क्योस की वजह से, इस अदालती फसाद की वजह से कि जो आपस में तसादम चल रहा है, इसकी वजह से फौज की पुश्त महफूज नहीं है। फौज के सामने प्रायोरिटी ये है इन ऑपरेशन को करने का कि हम अपनी पुश्त महफूज कर सकें। अगर पुश्त महफूज ना कर सके तो फिर उस ऑपरेशन का फायदा क्या है कि अगर रियासती, अदालती, हुकूमती, मीडिया की सपोर्ट ही हासिल ना हो फौज को, तो फिर इनको कहीं ना कहीं तो डंडा देना पड़ेगा। लेकिन जैसा फौज को तवज्जो इन मामलों की तरफ नहीं देनी चाहिए कि जो दहशतगर्द यहां से भागकर अफगानिस्तान चले गए हैं, दोबारा से आकर रीग्रुप होंगे, उन्हें रोका जाए, बजाय इसके कि वो अंदरूनी मामलों में मुदाखला करें। यही आपको अर्ज कर रहे हैं ना कि फौज डिप्लोमेसी करे जाके या वजारत खारजा का काम है? वजीर खारजा का नाम पता है आपको? सच्ची बात है, आज तक मुझे वजीर खारजा का नाम नहीं मालूम, आपको पता है तो मुझे बता दे। हमारे पास तो मुशीर खारजा है, हमारे पास तो मुशीर खारजा है ना, वजीर खारजा तो है। तो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की प्रायोरिटी ये है कि 1 साल के बाद आपके पास वजीर खारजा नहीं है। दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। इस हालात में जब पूरी दुनिया चली एग्रेसिव डिप्लोमेसी पर रही है, अफगानिस्तान में अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी आपको यह फैसला करना है उस इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है। अशरफ गनी जीतता है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला जीतता है, उस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे? इब्तदाई नतीजे के मुताबिक तो अशरफ गनी अहमद सईद फिर जो भी जीतता है वहां पर, उसमें आप किस पे बैट करेंगे? फिर आपने विनिंग प्लेयर पे बैट करके निगोशिएट क्या करना है? क्या कारजाई वाला मामला रखना है या उसके साथ अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को रोकना है? इस वक्त कारजाई से बात करने का क्या फायदा है? आपको हुकूमत ही नहीं है अफगानिस्तान में कोई, क्योंकि नया प्रेसिडेंट आ चुका है। तो यही सारी बातें फौज तो नहीं कर सकती। ये काम किसने करना? ये काम हुकूमत वक्त ने करना है। हुकूमत वक्त लगी हुई है किस काम में? हुकूमत वक्त लगी हुई चौधरी निसार को राजी करने में, ताहिर अल-क़ादरी को रोकने में, इमरान खान को रोकने में, और उसके बाद फौज डिप्लॉय करने में कि अपनी कौम पर गोलियां चलाए। अगर हुकूमत वक्त की तवज्जो मुशर्रफ पे मुकदमा चलाने में और अरसलान इफ्तिखार को लॉन्च करने में ताकि इमरान को बेइज्जत किया जाए, अगर हुकूमत वक्त का फोकस ये है तो फौज क्या करे? फौज डिप्लोमेसी अपने हाथ में ले ले, हुकूमत को मजबूर करे कि डिप्लोमेसी करे, या हुकूमत को हटाकर कुछ ऐसे लोगों को ले आए कि जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी करें? अब 3 ही ऑप्शन रह गए ना फौज के पास, तो ये फौज का इख्तियार है, जो चाहे फैसला करे। हम तो साफ साफ जैद हमें सब अफगान पॉलिसी की फॉर्मुलेशन तो वैसे भी जीएचक्यू ने करना होती है। बात ये है कि जीएचक्यू जो मर्जी करे, लेकिन फ्रंट फेस तो आपको फॉरेन मिनिस्टर, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर का रखना है कि नहीं रखना? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत में मुझे कोई एक शख्स बता दे, मैंने आपसे पहले भी बात कही थी, जीएचक्यू क्यों ना करे, मुझे हुकूमत में एक शख्स बता दे जो अशरफ गनी का बैकग्राउंड भी जानता हो, ये किस कबीले से,
इसकी चाबियां डोरियां किसके हाथ में, इसके अलायंसेस किसके साथ हैं, इसका नंबर टू कौन है, किसी को मालूम भी है कि इसका नंबर टू कौन है? और अब्दुल्ला अब्दुल्ला का नंबर टू कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त किस एक्सिस पे खेल रहा है? ईरान की क्या प्रायोरिटीज हैं? सऊदी अरब की, चाइना की क्या प्रायोरिटीज हैं? टर्की किसको सपोर्ट कर रहा था, ताकि किसके साथ हम किससे बात करें, किस तरह हैंडल करें इसको? क्या फॉरेन मिनिस्टर में कोई एक शख्स है जिसको ये पता? बात यह है कि हमारी जिंदगी और मौत के मसले हैं ये हमारे, ये मजाक नहीं है बच्चों वाला कि हम इस बात पर छोड़ दें कि प्राइम मिनिस्टर का काम है तो वो करता रहे, अगर वो नहीं कर रहा तो क्या करें, मुल्क को तबाह करवा लें? तो यही मामला है। देखिए अब फौज के पास वक्त नहीं है, बिल्कुल साफ बात, ये जमहूरी तमाशा जो है, अल्लामा इकबाल ने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था, जमहूरी तमाशा, जिसको तुम चेहरा रोशन समझते हो, अंदरू इसका चंगेज है, तारीख तर है, आजादी की नीलम परी जुल्म इस्तबदाद का दियो है जो पांव मारता चला आ रहा है, जिनसे इंसानों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, ये इकबाल के अल्फाज हैं, याद रखिएगा। अब इस जमहूरी तमाशा के जरिए एक बंदर का नाच ज्यादा तफरी फराहम करता है बनिस्बत इस जमहूरी तमाशा के जो हमारे मुल्क में इस वक्त मुसलत और नाफिज है, जब पूरी मुसलमान दुनिया इराक और शाम की तरह रुसवा की जा रही है, पाकिस्तान का नंबर लगा हुआ है, हम पर हमले हो रहे हैं, और हुकूमत वक्त का हाल देख लें क्या है, अल्लाह की कसम जैसे हम बात कर रहे हैं कि फिर वो हलाकू का अजाब आएगा हमारे ऊपर। जब हलाकू आया ना, एक औरत ने उसको बद्दुआ दी कि तुझ पे अल्लाह का अजाब आए, तो हलाकू ने कहा मैं ही तो हूं जो अल्लाह का अजाब बनकर तुम लोगों के ऊपर आया हूं। उस वक्त से डरे कि चंगेज खान और हलाकू खान जैसे अजाब हमारे ऊपर मुसलत हो जाए। पाक फौज को यह फैसला करना पड़ेगा, जो मर्जी बात आप जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की करते रहे, रूल ऑफ लॉ की करते रहे, बात यह है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दस कोई नहीं है। आईन हमारे हाथ का लिखा हुआ है, पाकिस्तान अल्लाह के रसूल के बनाया हुआ है। आईन भी तो मुकद्दस है, पाकिस्तान अल्लाह उसके रसूल का बनाया हुआ है, आईन वकीलों का लिखा हुआ है। अगर ये आईन आप नाफिज नहीं कर सकते, हम बात शर्त लगा रहे हैं, इस आईन को नाफिज नहीं कर सकते, और अगर हुकूमत वक्त और अदलिया इस आईन को तोड़ रही है, फिर फौज को कौन सा हमेशा पाकिस्तान को बनाने में भी तो एक वकील ने किरदार अदा किया, वो वकील अल्लाह के रसूल का अपॉइंटेड था, ये रूस और सीआईए और केजीबी और मोसाद के अपॉइंटेड पलित लोग, वो वकील ऐसा था कि जो जिसका पूरा वजूद जिसको इसके शवाहिद भी तो देना होंगे उस वकील के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था ही इज अनकरप्टेबल अनपरचेजेबल, वो वकील ऐसा था जिसको अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था कि जाओ हिंदुस्तान में तुमसे काम लेना है, वो वकील ऐसा था कि जो अपनी जेब से लाखों करोड़ों रुपए इस मुल्क पर खर्च करता था, जो डेढ़ों पे तनख्वाह लेता था, और जब कैबिनेट की मीटिंग किया करता था तो उससे पूछा गया कि कैबिनेट के मिनिस्टर को क्या खाने को दिया जाए, तो उसने कहा क्यों ये घर से खा के नहीं आते, इनको पानी पिलाओ सबको यहाँ। ये था वो वकील जिससे अल्लाह उसके रसूल ने ड्यूटी ली। तो जैसा मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में मौजूद सियासी इंतशार और इसके रिपरकशंस के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद डिबेट विद ज़ैद हामिद में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ज़ैद हामिद साहब ने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त कहाँ खड़ी हैं और अपोजिशन कहाँ पर है, फौज का किरदार इस मौके पर क्या होना चाहिए और फौज क्या किरदार अदा करने जा रही है। लेकिन ज़ैद हामिद साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, जमहूरियत को अगर हमें बचाना है, जमहूरी हुकूमत को आगे लेकर चलना है तो हमारे पास रास्ता क्या है? देखिए अब ऑप्शन तो है ही कोई नहीं हमारे पास, ये बात अब संजीदगी से पूरी कौम को अब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आपने इस जमहूरी तमाशे का मजाक देख लिया। अगर आप, क्या ये वाकई कोई पाकिस्तानी जो जहनी तौर पे संजीदा है, पाकिस्तान से प्यार करता है, ये समझता है कि इस गलाजत के साथ जो इस वक्त मची हुई है हम 5 साल मजीद गुजार सकते हैं? नामुमकिन बात, हमको इतना वक्त नहीं मिले। नरेंद्र मोदी किस तरह तैयारी कर रहा है हमारे मशरक में, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, किस तरह पाकिस्तान की रियासत को फरोख्त किया जा रहा है, किसी की निगाह इस तरफ नहीं है। इस सियासी तमाशे में आप लोग ये भूल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत आईएमएफ की शरायत के ऊपर पाकिस्तान को किस तरह फरोख करते, पूरा पाकिस्तान बेच देगी जाने से पहले, और इनको, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अमेरिकन को यह बात मालूम है कि हुकूमत अनस्टेबल हो चुकी है, हुकूमत जाने वाली है। ज्यादा हमें सब जो सफेद हाथी हमारे पास है उनको फरोख्त ना करें तो क्या करें? देखिए बात यह है कि सफेद हाथी है नहीं, इनको आर्टिफिशियली बनाया गया है, इनको करप्शन से बनाया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल आप देख रहे हैं कि 30 दिन में उसके 30 MDs या DGs चेंज किए जा रहे हैं, कभी अदालतें कूद रही हैं, कभी वजीर आजम कूद रहा है, समझ ही कुछ नहीं आ रही, मजाक बना दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। तो ये बात सिर्फ क्रिकेट के साथ नहीं है, चाहे पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो, चाहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, चाहे पाकिस्तान रेलवे हो, चाहे वापडा हो, सुई सदन हो, सुई नॉर्दर्न हो, हमारे जितने बड़े वेल्थ OGDC हो, हमारे वेल्थ प्रोड्यूसिंग इदारे थे, उनको जान के तबाह किया गया। आप OGDC जरदारी का दौर जब आया था तो उस वक्त OGDC 300 अरब रुपए साल कमाया करता था, और जरदारी का दौर जब खत्म हुआ है तो OGDC के स्टाफ की तनख्वाहें बैंकों से कर्ज लेके दी जा रही थी। 3-4 साल के अंदर OGDC का ये हाल इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने खुद खरीदना था उसको, प्राइवेटाइज करके कादरपुर गैस पील और ये सब इन्होंने खरीदने थे। नहीं, आप समझते हैं कि हुकूमत को कारोबार करना चाहिए? देखिए दुनिया में हर जगह पे हुकूमतें करती हैं कारोबार,
ऐसी कोई बात नहीं। अब तो बहुत से ममालिक में इलेक्ट्रिसिटी को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। बहुत सारे मामला को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। हम पूरे मुल्क को एक बनिए सूदखोर और मल्टीनेशनल के हवाले नहीं कर सकते ना। जब आपने ओपन एयर पॉलिसीज, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ की हुकूमत पिछली दफा जब आई तो उसने ओपन एयर, ओपन स्काईज पॉलिसीज कर दी। नतीजा ये हुआ कि एमिरेट्स और कतर एयरलाइंस और गल्फ और एयरलाइंस, जहां मेजर ट्रैफिक पाकिस्तान का पीआईए का जो सारा लोड था, जो पीआईए जो प्रॉफिट जिन रूट पे कमाती थी, वो सारा ट्रैफिक हफ्ते की 10-10 फ्लाइट, 15-15 फ्लाइट एमिरेट्स आना शुरू हो गई और पीआईए नुकसान में जाना शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि नुकसान में कहते देखे नुकसान में जा रही है, अब इसको फरोख कर देते हैं। ये ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं, जानबूझ के बनाए जाते हैं। चाहे वो रेलवे को जिस तरह तबाह बर्बाद किया बेलोर की हुकूमत में, सब करप्शन और खयानत, अरबों अरबों रुपए की रेलवे इंजन ही खत्म हो गए ट्रेन के बाद, पूरी रेलवे इंडस्ट्री हमारी खत्म हो गई, रेलवे काबिल ही नहीं रही कि चले, फिर कहते देखें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा क्योंकि खत्म हो गई। ये कोई सवाल नहीं करता बिलोर से कि तुमने जो बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की रेलवे का, उसके पैसों का हिसाब भी तो दो और निकाले पैसे के साथ। जब आप बात करते हैं जो पाकिस्तान के 200 अरब डॉलर अगर स्विस बैंकों में, कुछ तो नरेंद्र मोदी से सीखे, वो मुशरिक है कमबख्त हिंदू लेकिन अपने मुल्क से कितना मुखलिस है। उसने आने के बाद पहला काम यह किया कि 500 अरब डॉलर, हमारे 200 अरब डॉलर हैं तो उनके 500 अरब डॉलर हैं स्विट्जरलैंड के बैंकों में छुपे हुए। उसने पूरी हुकूमत, स्विट्जरलैंड की हुकूमत को लिखा ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप हमें तमाम इंडियंस के अकाउंट्स जो आपके पास हैं उसकी लिस्टें हमें दें, वरना हम स्विस गवर्नमेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, उनके साथ बिजनेस ट्रेड पैसा जो भी स्विस बैंकों के साथ हम डीलिंग बंद करेंगे। स्विस गवर्नमेंट ने उस तमाम इंडियंस की लिस्ट उठा के नरेंद्र मोदी को दी है। ये काम पाकिस्तान भी तो कर सकता है, पता लगे खुद पता लगेगा। अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसमें, फिर क्या करेंगे, इनके अपने पैसे निकलेंगे वहां से। तो करने वाले अगर बात हो, फिर आप अगर 200 अरब डॉलर, पाकिस्तान का बजट 300 अरब डॉलर का है, आप 200 अरब डॉलर लूटे हुए अगर स्विस बैंकों से ले आते हैं तो फिर प्राइवेटाइज करने की जरूरत है? आपकी इकोनॉमिक्स ही गलत है ना। आपकी इकोनॉमिक्स ये है कि जो मुल्क से माल लूटा जा रहा है उसकी बात ना करो, वो तो खाया गया, वो तो गया, उसकी बात ही ना करो कि वापस लेकर आना है। लिहाजा जो मुल्क और जो खाने के नतीजे में जो मुल्क के दारे तबाह हुए वो यहूदी को फरोख्त कर दो। मेरी बात अजीम मुकम्मल करना दे। जिनकी जो स्ट्रेटजी है ना वो ये है कि जो माल लूटा हुआ है वो गया, वो खा गए ये लोग, और उस लूटने के नतीजे में जो मुल्क के इदारे तबाह हुए वो यहूदियों को फरोख्त कर दो, फिर आपके पास बचे। ज़ैद हमीद साहब, गुज़श्ता 5 वर्षों में भी हम लूटी हुई दौलत वापस लाने की कोशिश करते रहे लेकिन एक फूटी कोड़ी भी पाकिस्तान में नहीं है। कि जो जिन वही बात तो हम बता रहे हैं कि जो लूटी हुई दौलत वापस लाने की बात करते हैं उनकी अपनी दौलत बाहर रखी हुई है। अभी एतजाज अहसन जैसे शख्स ने यह बात नवाज शरीफ से कर दी, नवाज शरीफ के बारे में कि जी वो जो बाहर से इन्वेस्टर्स लाने की बात कर रहे हैं लोग, इंग्लैंड में सबसे बड़े इन्वेस्टर तो ये, दूसरे तीसरे नंबर के तो ये खुद ही है। और हकीकत है कितनी इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ की बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नवाज की और जरदारी की मुल्क से बाहर रखी हुई है, तो ये दूसरों से क्या कह रहे हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट? ये तो एक मुश्किल काम है कि लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस आए, ये बात तो तय है, लेकिन जो विजिबल 500 अरब रुपए का डेफिसिट सालाना हमें बर्दाश्त करना पड़ता है इन इदारों की वजह से जो खसारे में है, इसे तो खत्म किया जा सकता है। बाबा 500 अरब का क्या मतलब है, 5 अरब डॉलर? कहां 200 अरब डॉलर और कहां 5 अरब डॉलर, क्या बात कर? 5 अरब डॉलर तो यार आप बात करें, अगर कोई ईमानदार हुक्मरान हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको चंदे में दे देंगे 5 अरब डॉलर। 5 अरब डॉलर रकम कौन सी होती है? उस दिन मलिक रियाज टीवी पे आके कह रहा था कि मैं अपने 2 अरब डॉलर जो है वो सदका कर रहा हूँ, चंदा दे रहा हूँ। देता नहीं देता वो उसकी नियत है, लेकिन कम से कम इतने पैसे तो उसके पास, दैट इज एनुअल $5 बिलियन, उसके पास इतने पैसे तो है कि वो एक वक्त में 2 अरब डॉलर मलिक रियाज दे सकता है। पाकिस्तान के 10-15 बड़े बड़े ग्रुप्स को आप इकट्ठा करें, उनसे कहें 5 अरब डॉलर इकट्ठा करो, कौन सा मुश्किल काम है? पाकिस्तान का सारा जितने भी डेफिसिट आपका क्लियर हो जाएगा। बात यह है कि ये इशू नहीं है हमारा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जब मुल्क 500 अरब डॉलर के डेफिसिट में जा रहा हो और आपका प्राइम मिनिस्टर अपने कुत्ते खरीद रहा हो, करोड़ों अरबों रुपए के बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद रहा हो, और खुद उसकी अपनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के 20-25 अरब डॉलर की तो कम से कम इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरदारी की होगी। आप इन दो आदमियों को टांग दें, मुल्क का बड़ा भला हो जाएगा, खुद सच बता रहे हैं हम आपको। इन दोनों से लूटी हुई दौलत निकाल लें, छोड़ें बाकियों को, इन दो आदमियों से आप सिर्फ लूटी हुई दौलत बाहर ले आए, वापस ले आए, मुल्क और कौम का भला हो जाएगा। 10 साल तक आपको बगैर टैक्स के बजट कोई फरोख्त नहीं करनी पड़ेगी आपको अपने इदारा यहूदियों को। तो ज़्यादा हमें सब ये लूटी हुई दौलत कौन वापस लाएगा, यही बात, अब सवाल यही है। मैं हम कर रहे हैं बात कि सिर्फ आप जो बात हमने पहले कही थी कि पॉलिटिकल कियोस्क पे निगाह ना डालें, पीछे से मुल्क की इकोनॉमी भी फरोख्त, मुल्क भी फरोख्त हो रहा है पीछे पीछे, उसको भी रोकना है। उससे पहले वो जो अरसलान इफ्तार वो बेचने जा रहा था रिकॉर्ड के गोल्ड रिजर्व हमारे, वो तो हंगामा करके उसको फारिग करवाया, लेकिन ये बाज नहीं आने वाले, किसी और को अपॉइंट कर देंगे, वो फरोख्त करने की बात करेगा। जो बात हम आपसे कर रहे हैं, अब यहां पर ये फैसला पाकिस्तान के पेट्रियट्स को, पाकिस्तान से प्यार करने वालों को, पाक आर्मी को करना पड़ेगा कि क्या आप इस जमहूरियत को मजीद 5 साल चलाना चाहते हैं। इस जमहूरियत को खत्म करने का बड़ा जायज और लीगल तरीका भी मौजूद है, 62 और 63 इन्फोर्स करें। अगर जुडिशरी इन्फोर्स नहीं करती तो फिर जुडिशरी मुल्क और कौम के साथ खयानत करेगी, क्योंकि खुली आंखों से नजर आ रहा है कि 62 और 63 को वायलेट करके ये हुकूमत बनी है, 62 और 63 को वायलेट करके ये अपोजिशन बनी है, 62 और 63 को वायलेट करके ये पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में आई है।
एबिनिशो, शुरू से इलीगल नाजायज काम हुआ है। यह हुकूमत इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है। अब मजीद कोई गैर आइनी काम हो ही नहीं सकता इस गैर आइनी हुकूमत की मौजूदगी में। अब उसके बाद जो भी काम होगा वो आइन को रिस्टोर करने के लिए होगा, जो भी काम होगा मुल्क में कानून नाफिज करने के लिए होगा। पाक फौज के सामने ऑप्शन है, जैसे हमने बात की ना ऑप्शंस हैं। अच्छा, पाक फौज के ऑप्शंस पे जाने से पहले जो बातें आपने कही, कादरी साहब भी यही कुछ कहते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो डू यू सपोर्ट ताहिरुल कादरी? बात ये नहीं है, देखिए ताहिरुल कादरी साहब को जैसे हमने कहा कि उनका इंकलाब मुझे वाजे नहीं है कि क्या है, सच्ची बात, इसलिए बातें तो वो यही करते हैं। बातें तो ठीक है, ये बातें तो हर कोई कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है ना, कि नजर आ रहा है कि इलीगल हुकूमत है, सबको पता है, चोर हुकूमत है, सबको पता है, 62-63 वायलेट हुआ है, सबको पता है, इसमें तो कोई झपी छुपी खुफिया बात नहीं है। बात यह कि उसके बाद क्या करना, क्योंकि आई एम वेटिंग टू हेयर कि फॉरेन पॉलिसी पे कादरी साहब का एजेंडा क्या है। मुझे नहीं मालूम इंडिया की तरफ उनकी क्या राय है, मुझे नहीं मालूम अफगान पॉलिसी के बारे में वो क्या राय रखते हैं, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान के रीजन में मिडल ईस्ट में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में उनकी पॉलिसी क्या है, क्योंकि वो सब खुफिया है, कोई बात अभी उनको स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया सिवाय 32-33 सूबे बनने के, मुझे और कोई बात समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मामला पाकिस्तान की तकदीर का है, यहाँ पर हम अजम्पशन पे नहीं चल सकते चीजें, और हमें ये भी देखना होगा कि कादरी साहब की राय पाकिस्तान में क्या है और कनाडा में जाकर क्या होती है। और दूसरी बात ये क्या जो बातें वो कह रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास इख्तियार, ताकत, सलाहियत, उनके पास एडवाइजर्स, मुशीर मौजूद हैं या नहीं है, ये सारी चीजें मैटर करती है ना, खाली ख्वाहिशात तो नहीं है। उससे पहले तो कादरी साहब का अपना किरदार भी देखना होगा, अगर वो मुल्क से बाहर जाकर ये कहते हैं कि आर्टिकल 295C का इत्तलाक अकलीतों पर नहीं होता और पाकिस्तान में आकर के ये कहते हैं कि ये तजवीज हमारी ही थी। देखिए बात ये है, मैंने कहा कंट्रडिक्शंस पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों में, इमरान में नहीं है क्या, नवाज शरीफ में नहीं है? शहबाज शरीफ कहते हैं 6 महीने में बिजली खत्म कर देंगे, 2 महीने में खत्म कर देंगे, उसके बाद क्या, पाकिस्तान के तमाम लीडर्स की कंट्रडिक्टरी वीडियोस मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बिजली खत्म कर तो दी है पाकिस्तान से, हाँ बिजली ही खत्म कर दी उन्होंने, जिस तरह गुर्बत खत्म करने का तरीका इन्होंने निकाला है, गरीब मार दो तो यू आसान तरीका है गुर्बत खत्म करने का। तो जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि असल सवाल यह है कि ये सारे इंकलाब या तब्दीली या सुनामी तो लाना चाहते हैं, लेकिन उसका मोडस ऑपरेंडा क्या है, तरीका क्या, आप हुकूमत में आएंगे किस तरह, ये वाजे कोई भी नहीं कर रहा है। और इसलिए वाजे नहीं कर रहा है कि इनके पास किसी के पास इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब JHU में, इसका जवाब फौज के पास, फिर इख्तियार फौज, एक आदमी जंगल में चला गया, किसी ने कहा कि तुम जंगल में चले जाओ सामने से शेर आ जाए तुम क्या करो, उसने कहा शेर आ जाए फिर मैं क्या करूंगा, जो करना है वो शेर ने करना है उसके बाद, तो बात ये जो कुछ करना है वो GHQ ने करना है। पाकिस्तान में जिस लेवल की एनार्की फैल रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा नहीं कर रही, पार्लियामेंट अदा नहीं कर रही, ये रियासती इदारे हैं ना, रियासत के इदारों का काम होता है बैलेंस को रिस्टोर करना। पाकिस्तान आर्मी भी रियासत का इदारा है, कोई गैर कानूनी गैर मुल्की फौज नहीं है ना। अगर पाकिस्तान का रियासती इदारा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए मुल्क का दिफा नहीं करेगा तो फिर यह काम अमेरिकन फौज या इंडियन फौज करेगी, जैसे इराक में कर रही है। जब अपने मुल्क की फौज डिलीवर नहीं करती तो फिर गैर मुल्क की फौजें करती हैं। ये बात पाक फौज को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा। नरेंद्र मोदी इस तमाशे का जो तमाशा तुरफा तमाशा मचा हुआ है पाकिस्तान में, नरेंद्र मोदी खुशी से फूले नहीं समा रहा, उछल कूद कर रहा है। उसने अपने आर्मी चीफ को टाइम टेबल दिया है कि तुम मुझे जंग के लिए गो सिग्नल दो, रेडी से सिग्नल दो कि मैं कब तैयार हूं पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। तो उसने तो अभी कहा था, उसने कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त मांगा है और ये वक्त मिला है सिर्फ आपके पास। इस वक्त में अगले 6 महीने में 8 महीने में हमने पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं किया तो फिर आपकी किस्मत का फैसला नरेंद्र मोदी करेगा, याद रखिएगा। फिर उस वक्त कोई JHQ, कोई आपकी पार्लियामेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई मीडिया, कोई हुकूमत, कोई प्रेसिडेंट हाउस काम नहीं आएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर एक तरफ से खवारिज और एक तरफ से नरेंद्र मोदी और तीसरी तरफ से आपके नरेंद्र मोदी वाकिफ है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, तो इसके बावजूद आपको ये लगता है कि वो गलती करेगा पाकिस्तान पर हमला करने? एटमी हथियार तो रूस के पास थी, रूस को उन्होंने कैसे तोड़ा? अंदर की खाना जंगी से तोड़ा ना। हम अंधे गूंगे बहरे क्यों हो जाते हैं, तारीख को क्यों नहीं देखते? रूस को कैसे तोड़ा? रूस के पास तो 2000 एटमी हथियार, क्या हुआ? इराक के पास भी बड़े बड़े स्कड मिसाइल थे, बड़े बड़े हथियार, आज वो दाइश लिए फिर रही है उन स्कड मिसाइलों का तमाशा बनाकर, क्या कर लिया इराक की फौज ने? शाम के पास भी बड़े बड़े स्कड मिसाइल थे, क्या कर लिया? युगोस्लाविया की फौज में दुनिया की पांचवी बड़ी फौज थी, किधर गया मुल्क? पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान का डिफेंस नहीं करेंगे? जिस किस्म की जंग हो रही है इसमें न्यूक्लियर आर्सेनल इस्तेमाल नहीं होते। आप क्या कराची पर इस्तेमाल करेंगे, वजीरिस्तान पर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे? नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? जिस अगर लाहौर में दाखिल हो जाता है तो आप लाहौर पे मारेंगे, आप क्या करें? हम यही अर्ज कर रहे हैं आपको कि इस वक्त आपकी जिस तरह की मुल्क में डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, आपने फौज को ग्लोरिफाइड पुलिस फोर्स बना के रख दिया है आपने, और पुलिस में और फौज में अब क्या फर्क है कि पुलिस की ड्यूटी आप फौज से करवा रहे सिवाय इसके कि वो डिसिप्लिन ज्यादा है। तो ज़ैद हमें से पाकिस्तान के अवाम ये जो खुशी मना रहे थे कि एटमी हथियार बनने के बाद पाकिस्तान महफूज हो गया है, ये खुशी नहीं मनानी चाहिए थी? देखिए एटमी हथियार एक रियासत की ताकत इस्तेमाल करती,
आपको मरकज में मौजूद हुक्मरान चाहिए, जो आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो भी ये डिमांड करता है कि पाकिस्तान के पूरी चेन ऑफ कमांड है जो फैसला करेगी कि न्यूक्लियर वेपन कब यूज करना है। चेन ऑफ कमांड ही टूट जाए तो न्यूक्लियर वेपन कौन यूज करेगा? यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को एक मजबूत मरकजी हुकूमत की जरूरत है, हमारी बका इसमें, हमारी बका जमहूरियत में नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता उम्मत रसूल को इस बात से कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत है या खिलाफत है या इमारत है या मार्शल लॉ है या जनरल है। मिस्र में भी तो इन्होंने जनरल सीसी को लाके बिठा दिया ना, पूरी दुनिया को कोई प्रॉब्लम है उससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो काम मगरिब का कर रहा है। पाकिस्तान में भी हमें कोई भी हुकूमत हो जो पाकिस्तान के मफादात का दिफा करे, हमें इस वक्त उसकी जरूरत। तो ज़ैद हामिद साहब, मौजूदा मरकजी हुकूमत भी मजबूत हो सकती है, कोई वे आउट है इसके लिए? कोई चांस? एब्सोल्युटली नो। डिजास्टर है, तबाही की तरफ जा रहा है रास्ता सारा। अब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये खुदकुशी आज करते हैं या कल करते हैं। नविश्ते दीवार है, सब कुछ लिखा हुआ है दीवार पे, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंच चुके हैं। सुमन बुकमन उमियन है फाउमला यरजून, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब वापस नहीं लौट सकते, अब इनकी तबाही मुकद्दर है। फैसला सिर्फ ये करना है कि अगस्त के, जुलाई के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर, ये मटेरियल बात है, ये फैसले अल्लाह के हाथ में, ये हो जाएंगे। लेकिन इनका अंजाम बहुत बुरा है, ये अल्लाह ना करे जितनी देर ये रहेंगे पाकिस्तान को डुबोएंगे। ज़ैद हामिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ज़ैद हामिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने एनालिसिस किया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या क्या किरदार अदा कर रही हैं, अपोजिशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है, हुकूमत का किरदार इस वक्त क्या है, फौज इस वक्त किन मामलात में मुदाखलत करने से कतरा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ये पहले भी भारी मैंडेट लेकर आई थी, लेकिन ये भारी मैंडेट खासा भारी हो गया था। अब एक बार फिर से यही सूरत हाल बनने जा रही है। मियां साहब को यकीनी तौर पर कुछ ऐसे इकदाम करना होंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हों, ताकि ये जमहूरियत भी चल सके, ये हुकूमत भी चल सके और पाकिस्तान में बेहतरी आ सके। मोहम्मद अजीम को इजाजत दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।